बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फजी लॉजिक एंड एप्लीकेशन के कोर्स में एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आजकल हम फजी एक्सटेंशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने फजी सेट की एक एक्सटेंशन इंट्यूशन एक फजी सेट जिसको हम IFS से रिप्रेजेंट करते हैं उसे हमने डिटेल में पढ़ लिया है, और आज हम इसे नेक्स्ट वाली एक्सटेंशन को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पिक्चर फजी सेट्स। पिक्चर फजी सेट जो है इसको आप PFS से डिनोट कर सकते हैं। पिक्चर फजी सेट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉन्ग इन 2013 विच इज़ द फर्दर एक्सटेंशन ऑफ इंट्यूशनिक फजी सेट्स। पिक्चर फजी सेट मे बी यूज्ड व्हेन ह्यूमन ओपिनियंस involve more answers like yes, no, neutral and refusal. Voting is a very good example of this model because human voters can be divided into four groups. For example, vote for न्यूट्रल, वोट अगेंस्ट, रिफ्यूजल ऑफ द वोट। पिक्चर फजी सेट इज अ फर्दर एक्सटेंशन ऑफ इंट्यूशनिक फजी सेट दैट वॉज प्रपोज बाई अटानासोव इन 1986। इन इंट्यूशनिक फजी सेट्स वी डील विद टू एलिमेंट्स called membership values and non-membership value. However, in picture fuzzy sets, we deal with three elements called acceptance membership degree, neutral membership degree and rejection membership degree, and its mathematical form is defined in the present slide. Let X be a fixed set. A picture fuzzy set P on X is defined as P equals to X comma alpha P of X, gamma P of X, comma beta P of X, such that X belongs to universal set or fixed set, where alpha p of x, beta p of x and gamma p of x belongs to closed interval 0, 1, are called the acceptance membership degree, neutral membership degree and rejection membership degree of x belongs to x to the set p respectively. And these membership degrees satisfied the condition that the sum of these three degree is always greater than equals to 0 and less than equals to 1 for all x belongs to the universal set. Also, eta p of x is equal to 1 minus alpha p of x minus gamma p of x minus beta p of x, where eta p of x is said to be a refusal membership degree of x belongs to capital S in P. And for our convenience, the picture for this set can be simply denoted or can be simply written as PFS of X. So, dear students, picture fuzzy set जो है इसमें आपने तीन elements जो हैं या तीन membership degrees जो हैं उसको consider करेंगे, और वो कुछ इस तरह से consider करेंगे कि इन तीनों degrees का sum जो होगा वो हमेशा greater than equal to 0 और less than equals to 1 होगा, और इसको अगर आप
एक चौथी डिग्री जो है उसको भी अगर आप अंडर कंसिडर करना चाहेंगे तो उसे हम रिफ्यूज़ल मेंबरशिप डिग्री कहेंगे, और वो जो रिफ्यूज़ल मेंबरशिप डिग्री है उसे हमने ईटा पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया है, और ईटा पी ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, वन से आप तीनों मेंबरशिप डिग्री जो है उनको माइनस कर देंगे तो वो आपके पास रिफ्यूज़ल मेंबरशिप डिग्री आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास पिक्चर फॉर दिस सेट जो है इसको आप डिफाइन करेंगे, और उसके बाद हम इसकी कुछ सम इम्पोर्टेंट ऑपरेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिक्चर फॉर दिस सेट को सॉल्व करने के लिए हम कुछ ऑपरेशन जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। लेट ए एंड बी बी टू पिक्चर फॉर दिस सेट्स ऑन एक्स, देन द यूनियन इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट आर रिटन एज फॉलोज। टू पिक्चर फॉर दिस सेट जो है वो उस वक्त सबसेट होंगे इफ एंड ओनली इफ एक्सेप्टेंस मेंबरशिप डिग्री ऑफ फर्स्ट सेट लेस देन इक्वल्स टू एक्सेप्टेंस मेंबरशिप डिग्री ऑफ सेकेंड सेट। क्या मतलब है कि आपके पास अल्फा ए ऑफ एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू अल्फा बी ऑफ एक्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, गामा ए ऑफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू गामा बी ऑफ एक्स होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है, बीटा ए ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा बी ऑफ एक्स होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तीन मेंबरशिप डिग्रीज हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर ये तीन कंडीशन जो है इसको लिखा है। सेकंड कंडीशन क्या है कि दो पिक्चर फजी सेट जो है वो उस वक्त इक्वल होंगे जब ए जो है वो बी का सबसेट हो और बी जो है वो ए का सबसेट हो। तीसरी कंडीशन, हम ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल होगा, एक्स कॉमा मैक्स ऑफ अल्फा ए ऑफ एक्स अल्फा बी ऑफ एक्स। क्या मतलब है, आपने दोनों जो एक्सेप्टेंस मेंबरशिप डिग्रीज हैं उनकी मैक्स वैल्यूज जो हैं उनको लेना है, उसके बाद आपने मिन ऑफ गामा ए ऑफ एक्स कॉमा गामा बी ऑफ एक्स। क्या मतलब है, आपने मिनिमम वैल्यू लेनी है रिफ्यूज़ल न्यूट्रल मेंबरशिप डिग्री की। और थर्ड वन इज रिजेक्शन मेंबरशिप डिग्री जो है उसे हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो मिन ऑफ बीटा ए ऑफ एक्स कॉमा बीटा ऑफ बी ऑफ एक्स। तो इस तरह से आपने जो है वो टू पिक्चर फॉर दिस सेट जो है उनका यूनियन डिफाइन करना है। एक्सेप्टेंस मेंबरशिप डिग्री के साथ मैक्स आएगा, बाकी जो दोनों डिग्रीज हैं उनके साथ मिन आएगा। उसके बाद दो पिक्चर फॉर दिस सेट जो है उनका इंटरसेक्शन जब हम फाइंड करेंगे तो उसमें आपने मिन ऑफ अल्फा ए ऑफ एक्स कॉमा अल्फा बी ऑफ एक्स। क्या मतलब है, मिन फाइंड करेंगे हम एक्सेप्टेंस मेंबरशिप डिग्री का, कॉमा मिन फाइंड करेंगे हम न्यूट्रल मेंबरशिप डिग्री मतलब गामा ए ऑफ एक्स एंड गामा बी ऑफ एक्स, और थर्ड पे आपने मैक्स ऑफ बीटा ए ऑफ एक्स एंड बीटा बी ऑफ एक्स। तो इस तरह से आपके पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो डिफाइन करेंगे दो पिक्चर फजी सेट्स के लिए। और नंबर फिफ्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है या ऑपरेशन है, कॉम्प्लीमेंट आप इसका कैसे फाइंड करेंगे। किसी भी पिक्चर फजी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, उसके एक्सेप्टेंस मेंबरशिप डिग्री जो है उसको आपने इंटरचेंज करना है
रिजेक्शन मेंबरशिप डिग्री के साथ। क्या मतलब है, आपके पास एक्सेप्टेंस मेंबरशिप डिग्री जो है उसको हमने अल्फा ए ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और जो रिजेक्शन मेंबरशिप डिग्री है उसको हमने बीटा ए ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इन दोनों की प्लेसेस आप चेंज कर देंगे और न्यूट्रल मेंबरशिप डिग्री जो है उसको आपने फिक्स रखना है। तो इस तरह से आप इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ ऑपरेशंस थे जिनको हम यूज़ करते हुए पिक्चर फजी सेट जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, या जो भी आपके पास पिक्चर फजी वैल्यूज़ होंगी उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम कुछ एग्जांपल के साथ सॉल्व करेंगे कि इनकी एग्जांपल्स बनाकर आप ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं कि तीन एलिमेंट्स आप लें, उन पे कोई कंडीशन ये रखेंगे कि उनका सम जो है वो लेस देन वन होना चाहिए और ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। फिर आपने अगर सबसेट डिफाइन करना है तो सबसेट के लिए जो कंडीशंस मैंने आपको थ्री कंडीशंस के बारे में बताया वो कंडीशन जो है वो फुलफ़िल होनी चाहिए। दो पिक्चर फजी सेट जो है वो अगर इक्वल होंगे तो वो दोनों एक दूसरे का सबसेट होना चाहिए, और उसके बाद यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट जो है उसको भी आप कोई सी भी एग्जांपल चूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट, आपने पिक्चर फजी सेट को डिफाइन किया है और उसके साथ आपने उसके कुछ ऑपरेशन जो है उनको डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स लेकर इसको सॉल्व करेंगे ताकि ये आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।